सरकार और किसान अब एक टेबल पर आमने सामने होने वाली है। 3 बजे का यह समय तय था, 32 प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए बुलाया गया था और विज्ञान भवन में ये बैठक शुरू हो चुकी है। राजनाथ सिंह इसकी अगुवाई कर रहे हैं। बातचीत की करने के लिए हम भागते नहीं है, आगे भी 2 बार बातचीत कर गए, बातचीत से मसला हल होगा, हमारा मसला हल सरकार को करना चाहिए। लाइव दिखा रहे हैं विज्ञान भवन जहां पर ये बैठक हो रही है, किसानों का वहां पर पहुंचना शुरू हो गया है। देखो एक मीटिंग में जा रहे हैं, क्या लगता है वो तो गलबात चले तो पता लगेगा कि सरकार क्या चाहती है। असि चाहते हैं कि 3 कानून है जो रद्द हो। हाँ सारे मुद्दे में चर्चा करेंगे, 8 मुद्दे 8 में चर्चा करेंगे। पूरा नाम बता दी सर, वो कहाँ से हैं? बूटा सिंह बुरजगल, सूबा प्रधान बीके जी, एक धड़का। तो मीडिया के कैमरे वहां पर मौजूद, पत्रकार मौजूद, और सवाल एक ही है कि कैसे हल निकलेगा, किस मन से आप बातचीत के लिए जा रहे हैं। और ये सवाल इसलिए बना हुआ है क्योंकि 6ठा दिन है आज आंदोलन का, लेकिन इस बीच आप देखिए भारी सुरक्षा बल की वहां पर तैनाती और किसान संगठनों के जो नेता हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो पहुंच रहे हैं। 32 संगठन है जिनको बातचीत के लिए आज इस बैठक में शामिल होना है और एक अपना आप कह लीजिए शक्ति प्रदर्शन या हम एक साथ हैं ये मैसेज यहां पर किसान देते हुए। 6 दिन से किसान डटे हुए हैं दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर, पंजाब से आए लेकिन देश के कुछ और हिस्सों से भी इस आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से जो बातचीत की पेशकश हुई, जब कन्विंस करने की कोशिश हुई तो बार बार ये कहा गया कि ये कानून किसानों के हित में है, लेकिन उसके बावजूद अगर किसान सड़क पर उतरे हैं तो आज के दिन की ये बातचीत अब बहुत अहम होने वाली है। कितना इससे समाधान हो पाएगा, क्या किसान वाकई मानेंगे, सरकार किस रणनीति के साथ आगे बढ़ती है, ये सब कुछ अब आज इस जगह से पता चलेगा, विज्ञान भवन से जहां पर ये बातचीत हो रही है। 35 प्रतिनिधियों की दरअसल ये बैठक हो रही है और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री इस बैठक की अगुवाई कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर मंत्री समूह जुटा, जिसमें गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे, कृषि मंत्री पहुंचे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, पीयूष गोयल शामिल हुए। यानी मंत्रियों ने भी आपस में बैठकर एक मंत्रणा की है, सोच विचार किया, विमर्श किया कि आखिर अब इस मुद्दे को कैसे डील करना है, कैसे किसानों को समझाना है। तो अब यहां से सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार किस तरह से अपने किस रणनीतिक कौशल के जरिए किसानों को समझाने में या कोई रास्ता निकालने में कामयाब रहती है। ये गतिरोध 6 दिन से जारी है, लेकिन अब यहां से क्या मैसेज निकल कर आता है, पूरे देश के किसान कम से कम इसे देख रहे होंगे। हालांकि नहीं भूलना होगा कि आज बेशक ये बैठक हो रही है, लेकिन कल के दिन जब काशी में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे तो एक बड़ा संदेश किसानों के नाम प्रधानमंत्री ने काशी से दिया, जिसमें उन्होंने किसानों को आशान्वित ये भरोसा दिलाया कि ना तो एमएसपी खत्म हो रहा है, ना मंडी खत्म हो रही है, ये किसानों के हित के लिए कदम उठाया गया है। हमारे साथ मौसमी सिंह आ गई हैं इस वक्त। मौसमी, बैठक शुरू हो चुकी है क्या, क्योंकि हम देख रहे हैं किसान तो वहां जुटना शुरू हो गए हैं जिनको बातचीत के लिए बुलाया गया है, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए 3 बजे का वक्त दिया गया था इस बैठक के लिए, ये अपने आप में ही तीसरी बैठक है किसानों और सरकार के बीच, और ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार कोई ऐसा प्रस्ताव रखेगी कि जिससे ये डेडलॉक जो है वो रिजॉल्व हो सके। पर यहाँ पे सिंघू बॉर्डर पर भी किसानों की नजरें उस बैठक पर है, तमाम लोग मोबाइल के जरिए, टीवी के जरिए वो बैठक पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार कई लोग आज तक देख रहे हैं ये देखने के लिए कि आखिर क्या होता है इस बैठक में। क्योंकि जिस तरह से तमाम किसान दल के नेताओं से हम लोग ने बात की थी मीनाक्षी, उन्होंने भी कहा कि 2 बैठकें तो हो चुकी हैं, अब देखते हैं तीसरी बैठक में सरकार ऐसा क्या प्रस्ताव रखती है जो हमें मंजूर हो, क्योंकि कानून वापस लेने की मांग है ये तो तय है और प्रधानमंत्री
मंत्री ने अपने भाषण में वाराणसी में ये भी साफ कर दिया कि जो कानून है वो उनको लगता है किसानों के हित में है, तो वो डेडलॉक सुलझेगा, वो रार खत्म होगी या नहीं वो ये बैठक तय करेगी जो शुरू हो गई है। 3 बजे ये बैठक हो रही थी और कुछ ही देर में तमाम मंत्री आमने सामने होंगे उन तमाम किसान दल के नेताओं के साथ। लगभग 35 किसान दल के नेता हैं मीनाक्षी, और यहाँ पे आप देखिए कि इंतजार हो रहा है। पहले सैकड़ों किसान इकट्ठा हुए थे, अब हजारों और लाखों की संख्या में वो ट्रक्स आप देख रहे हैं, वो बैरिकेडिंग देख रहे हैं, वो एक लक्ष्मण रेखा है, वो या कह लीजिए दरार है किसान और प्रशासन या किसान बनाम सरकार के बीच उस लड़ाई की, जिसका नजारा जिसकी तस्वीर पूरा देश देख रहा है। देखना होगा इस बैठक में क्या होता है, क्योंकि लगातार सरकार के बीच भी आत्ममंथन चल ही रहा है।